टेंशन हेडेक, सिरदर्द, यह एक बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। टेंशन हेडेक जो है, सरदर्द होना या हेडेक्स, सरदर्द होना, तो इससे कम से कम, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 80% लोगों को कम से कम एक बार तभी साल में सरदर्द होता है, और 10-15% लोग साल में फिजिशियन के पास नहीं जाते रहते, डॉक्टर के पास जाते रहते, क्योंकि इनको सरदर्द है। अब ये सरदर्द में क्या होता है कि सिरदर्द जो है वो काफी बार लोग देखते हैं कि भाई अंदर कुछ है क्या खराबी, मतलब ब्रेन में कोई खराबी है क्या, ब्रेन में कोई ट्यूमर है क्या, ट्रॉमा हुआ है क्या, या क्या हुआ क्या अंदर की जिसकी वजह से सरदर्द हो रहा है। फिर लोग आंखों की जांच कर लेते हैं कि भाई चश्मा लग गया होगा करके सरदर्द होगा, मगर कुछ मिलता नहीं है। सब तरह की जांच करने के बाद में भी MRI किया या EEG किया या जो भी जांच है वो सब कर लिया, सब जांचों में या ब्लड टेस्ट भी किया, सब इसमें नील रिपोर्ट निकलता है, और फिर आदमी फिक्स हो जाता है कि अभी ये है क्या। काफी लोगों को ऐसा होता है कि भाई स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, उसकी वजह से सरदर्द होता है, एंड मोस्टली इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड टेंशन। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसकी वजह से सरदर्द होता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन में तो वो बीमारी में काफी लोगों को सरदर्द या प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है, मतलब सरदर्द है और उसके नीचे फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन दिखाई देता है, तो इतना कॉमन है सरदर्द। तो सरदर्द का जब पेशेंट आता है तो हमको ये देखना पड़ता है कि उसके आंख में प्रॉब्लम कुछ है जिसकी वजह से सरदर्द हो रहा है क्या, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, या कोई बॉडीली सिम्टम्स है, मतलब जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी वजह से हो सकता है, या कोई विटामिन्स की कमी है जिसकी वजह से सरदर्द हो रहा है क्या, या फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर हमको देखना पड़ता है कि उसको माइग्रेन है या टेंशन हेडेक है। अब माइग्रेन में होता क्या है, माइग्रेन का हेडेक जो है वो यूजुअली यूनिलैटरल रहता है, मतलब एक बाजू में रहता है, पल्सेटिंग रहता है, ठक 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 ऐसा पल्सेटिंग हेडेक रहता है, बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है। एक दिन में कम से कम 1-2 बार ऐसे अटैक आ सकते हैं, और ये अटैक उनको 15 दिन में 1 महीने में अटैक आते रहते हैं। अब ये जो हेडेक्स है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक है माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन की वजह से है, और दूसरा है टेंशन हेडेक। अब माइग्रेन हेडेक जो है वो एक साइड में हेडेक होता है, कोई भी बाएं साइड में दाहिने साइड में हेडेक होगा, पल्सेटाइल होगा, ठक 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 ऐसा होता रहता है, और उसमें ब्रेन सर्कुलेशन जो है, ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो अफेक्ट होते रहता है, इसलिए होता है, मतलब जो रक्तवाहिनी जो है, जो खून सप्लाई करती है ब्रेन को, वो थोड़ी फूल जाती है, उसकी वजह से हो सकता है, या कम हो जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है, या कम ज़्यादा होती है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये यूजुअली लेडीज में ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि उसका संबंध ईस्ट्रोजन से है, ऐसा कहा जाता है। ये टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो फटाक से एकदम अटैक आ जाएगा माइग्रेन का, और फिर उनको सिर बांध के रखना पड़ता है, काम पे जा सकते नहीं है, सोना पड़ता है, उल्टियाँ हो जाती है, काफ़ी बार बहुत बार उल्टियाँ होती है, और मतलब जी मछलाना, खाने की इच्छा नहीं होना, और फिर सरदर्द करना, या फिर आंखों से ऐसा कुछ तो भी लाइट दिखना, या ऐसा कुछ लाइट्स देख के ऐसे फ्लिकर करना लाइट, ऐसा कुछ तो भी आंखों के सिम्टम भी दिखाई देते हैं। अब इसमें सुमाट्रिप्टान जैसी दवाई है कि जो दवाई से, उसके साथ साथ एंग्जियोलाइटिक्स वो दवाई से, या प्रोप्रानोल है, अर्गोटामिन्स है, ये दवाई से उनको ठीक, मतलब अच्छा लगता है, ठीक लगने लगता है। इसमें सबसे बहुत ज़्यादा महत्व का ये है कि स्ट्रेस टेंशन कम करते हैं तो ये माइग्रेन हेडेक्स जल्दी अच्छा हो जाता है। टेंशन हेडेक जो है, जिसमें टेंशन हेडेक मतलब ऐसा कंटिन्यूस हेडेक रहता है, स्पेशली ये पूरे बाजू में ऐसा हेडेक रहता है, कभी कभी ऐसा टाइटनेस लगता है पूरे सिर में, सवेरे उठने से कम रहता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो सरदर्द बढ़ते जाएगा, शाम तक बहुत ज़्यादा रहेगा, और जितना भी स्ट्रेस टेंशन आता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर टेंशन आने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो कभी लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से हेडेक हो गया, लोगों को अक्सर टेंशन हेडेक आने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मगर डायग्नोसिस क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया और बाद में टेंशन हेडेक आ गया, तो यूजुअली टेंशन हेडेक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसमें बात यह है कि भाई स्ट्रेस टेंशन कम करो, और जैसा मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया था कि भाई आपको गुस्सा किस बात का है, स्ट्रेस कहाँ आ रहा है, आपका स्किल कम पड़ रहा है क्या काम में, गुस्सा पकड़ के बैठे है क्या, या रिवेंजफुल एटीट्यूड है क्या, मतलब खुन्नस वाली है क्या, क्योंकि बदला लेंगे, बदले की भावना है क्या, या शत्रुता किसके साथ में है, है ना, या फिर किसके साथ में अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं कर रहे, तो ऐसा ही सब कुछ हम ठीक कर देते हैं उनका, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, एक बार वो शांत हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है अभी, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, हेडेक गायब हो जाएगा, माइग्रेन गायब हो जाता है। तो हमारा माइग्रेन और टेंशन हेडेक दर्द जो है वो कम करने का तरीका ये है कि उसको साइकोथेरेपी दो, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसको बाहर निकालो, जो भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको बाहर निकालो, और टेम्पररी फायदा होने के लिए दवाई दो, जिसमें एंग्जियोलाइटिक्स है, एंटी डिप्रेशन है,
माइग्रेन रहा तो अर्गोडामिन से, सुमाट्रिप्टान जैसी दवाई है, प्रोपोनॉल जैसी दवाई है, वो दवाई दो और पेशेंट को ठीक करो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।